हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अगर आपकी नेक काली हो रही है, यानी कि गर्दन पे बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, आपके स्तनों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं, स्तनों का जो ब्लैक निप्पल होते हैं वो ज़्यादा काले हो गए हैं, और साथ ही साथ आपके पेट भी पहले से काला हो गया है। जैसे आपका 7वां 8वां महीना चल रहा है, पेट की जो नाभि लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, तो ये सब सिम्टम बोला जाता है कि बेबी बॉय के होते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के 4-5 महीने हो चुके हैं और ऐसा कुछ सिम्टम आपके अंदर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ऐसा ओल्ड वाइफ्स का कहना है कि अगर बॉडी में ऐसे 5 बदलाव आते हैं कि आपके निप्पल्स का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हो जाना, गर्दन ब्लैक हो जानी, नाभि लाइन ब्लैक दिखनी, पेट आपका पहले से डार्क दिखना, और साथ ही साथ आपको खुद फील हो रहा है कि मेरे हाथों पैरों के बाल की ग्रोथ बहुत बढ़ रही है और नेल्स की ग्रोथ बहुत बढ़ रही है। प्रेगनेंसी से पहले आपके नेल्स नहीं बढ़ते थे, बट इन द प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, तो ये सब सिम्टम बेबी बॉय के होते हैं। चैनल पे नहीं है ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में ना मैं ऐसे 5 सिम्टम बताने वाली हूँ जो कि मेरे साथ दोनों ही प्रेगनेंसी में सेम थे और मुझको बेबी बॉय हुआ। मेरा चैनल देखिए, लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा देती हूँ, सिर्फ इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में थे, और ऐसे बहुत सारी जिन्हें बेबी बॉय हुआ है महिलाओं को, उनके अंदर भी ये सिम्टम देखे गए हैं, तो मैं भी शायद आपके भी साथ ये सिम्टम मैच कर जाएं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ बिल्कुल सेम थे वही आपके साथ सेम हो। कई बार सेम हो भी सकते हैं, कई बार सेम नहीं भी होते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक हार्मोन्स होते हैं, अपनी अपनी एक बॉडी होती है। तो अगर आपके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं कि पैरों के हाथों के बहुत ज़्यादा अनवांटेड जो हेयर होते हैं बढ़ रहे हैं, उसकी ग्रोथ बहुत हो रही है, तो ये भी एक बेबी बॉय की तरफ इशारा देता है। कहा जाता है अगर प्रेगनेंसी में आपके बालों की यानी कि सर के जो बाल होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो ये भी सिम्टम बेबी बॉय के होते हैं। प्रेगनेंसी से पहले मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते थे, मगर जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव की, मेरे अपने आप ही बाल झड़ने बंद हो गए, बाल अपने आप इतनी तेज़ी से बढ़ने लगे और बहुत ज़्यादा घने हो गए थे, शाइनी हो गए थे। सेम शैम्पू सेम ही तेल यूज़ करती थी, बट अपने आप ही प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से बाल मेरे बढ़ने लगे थे। तो जब मैंने अपनी मम्मी को बताया तो उन्होंने बोला, देखियो तेरे बेटा होगा, ये सिम्टम बेटा होने के होते हैं। प्रेगनेंसी में फेस का कलर भी अगर आपको डल लगता है, काला लगता है, पहले आप गोरे थे मगर प्रेगनेंसी में आपको खुद लगता है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, काली हो रही है और फेस पे ग्लो नहीं है, ग्लो चला गया है, तो ये सिम्टम भी बेबी बॉय का होता है। 80% महिलाओं के जिन्हें बेटा होता है उनकी स्किन डल हो जाती है और ख़ुद को उनको फील होता है पहले से काले हो गए हैं, स्किन ड्राई रहती है गर्मी हो या सर्दी हो, साथ ही साथ फेस पे एक्ने या पिंपल छाइयाँ हो जाते हैं। मेरे केस में क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा डार्क डार्क छाइयाँ हो गई थी मेरे स्किन पर, और ये छाइयाँ जब तक 9 महीने तक बेबी था पेट में तब तक मेरी छाइयाँ बनी रहीं, और धीरे धीरे जब डिलीवरी हुई उसके बाद ही ये छाइयाँ ठीक हुई। तो कई महिलाएं बहुत टेंशन लेती है कि मेरा फेस ख़राब हो गया है, स्किन मेरी ख़राब हो गई है, अब ठीक नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में छाइयाँ पड़ जाती हैं, बट जैसे डिलीवरी होती है 3-4 महीने लगते हैं इसको लाइट होने में और 6 से 7 महीने में एकदम ठीक हो जाते हैं। तो मेरे केस में ये लक्षण सटीक था। कई ऐसी महिलाओं ने भी मुझे बताया है जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई थी, एक्ने हो गए थे और प्रेगनेंसी में उनको बेटा हुआ, तो ये लक्षण बहुत सारी महिलाओं के साथ सटीक बैठा है, तो मे भी आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके होने वाला शिशु एक बेटा है या एक बेटी है। क्योंकि देखिए, एक कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास ऑलरेडी 2 बेटियां हैं और वो 4 रखती हैं एक बेटे की, कि एक बेटा हो जाए हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, और कई मेरी ऐसी बहनें हैं जिनके पास एक बेटी है और एक बेटा है और एक बेटी की 4 रखती हैं कि एक बेटी हो जाए हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, बहन को भाई मिल जाएगा। क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी गलत धारणाएँ नहीं होती हैं, मैं सबको गलत नहीं कहूँगी, अपनी अपनी शौक से कई बार मन में आ भी जाता है, हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं बॉडी में, क्योंकि बच्चा एकदम से कंसीव होता है तो बहुत सारे हार्मोन डेवलपमेंट होते हैं बॉडी में, जिससे हमें कई बार जानने की इच्छा होती है कि बिना अल्ट्रासाउंड कराए हमें पता लग जाए लड़का है या लड़की। वैसे तो ये कानूनी अपराध है, हमें जानना भी नहीं चाहते, चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी कई बार मन में आ जाता है कि मेरे घर में क्या आएगा, लड़का या लड़की, हम किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, काश थोड़ा सा आइडिया हो जाए, उसी तरीके से हम तैयारी कर लेंगे लड़के के अकॉर्डिंग, लड़के की लड़की के अकॉर्डिंग
लड़की की। अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि बच्चे का वेलकम करना, तो पहले से पता हो कि क्या होगा तो उसी अकॉर्डिंग बंदा तैयारी कर लेता है। तो इस करके भी कई महिलाएं चाह रखती हैं कि काश हमें पहले से पता हो। अब स्तनों में जो बदलाव आता है, ये स्तनों में बदलाव से भी बहुत सारी महिलाओं ने बताया कि उन्हें बेटा हुआ है। जो निपल्स का ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन पार्ट होता है, अगर बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो ऐसा बोला जाता है उनको बेटा होता है। वहीं अगर वो ब्राउन रहता है, ब्राउनिश कलर का रहता, काला नहीं होता, तो उन महिलाओं को लड़की होती है। ऐसे बहुत सारे केस में देखा गया है। नाभि लाइन जो ब्लैक हो जाती है, पाँचवें छठे के महीना जैसे ख़त्म होता है, वो धीरे धीरे आपको डार्क दिखना शुरू हो जाती है। और वो नाभि लाइन अगर सीधी होती है और साथ ही साथ डार्क होती है, तो ये लक्षण बेटा होने के होते हैं। अगर वो नाभि लाइन आपको टेढ़ी लग रही है, हल्की लग रही है, ज़्यादा डार्क नहीं है, तो ये सिम्टम एक बेटी होने के होते हैं। तो अगर आपकी नाभि लाइन टेढ़ी नहीं है, एकदम डार्क है और एकदम सीधी है, तो कहीं ना कहीं आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना होता है। पैरों में बहुत ज़्यादा ऐठन, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द, और काम थोड़ा सा कर लेते हो तो पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, ये सब सिम्टम भी बेबी बॉय के होते हैं। पैरों में नस चढ़ना, पैरों में ऐठन, पैरों में दर्द रहना, खासकर लेफ्ट पैर में प्रेगनेंसी में, तो उनको बेटा होता है। अगर पैरों में आपके स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है पैरों में, और खुजली कर कर रैशे हो जा रहे हैं, तो ये सिम्टम बेबी गर्ल के होते हैं। ऐसा बोला जाता है जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खारिश की प्रॉब्लम रहती है, पेट पे, पैरों में, हाथों में, पैरों पे, तो उन महिलाओं को बेबी गर्ल होती है। मेरी अपनी स्टोरी बताऊँ तो मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे कभी खुजली नहीं हुई। थोड़ी बहुत मुझे ईचिंग होती थी, खासकर पेट पे, क्योंकि क्या होता है, बच्चा पेट में जब कंसीव होता है, धीरे धीरे पेट बड़ा होता है। जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे आपके नज़दीकी डेट डिलीवरी की आने वाली होती है, पास आठवां नौवां महीना, तो पेट आपका बड़ा हो जाता है, जिससे मांसपेशियां खिंचाव पड़ता है, इसी से ना हमें खारिश होती है। और हम खारिश कर देते हैं, नेल लग जाता है, तो उससे ना रेड रेड हो जाती है स्किन, और बाद में वही ना निशान पड़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं स्ट्रेच मार्क, और वो मार्क जाते नहीं है। तो जब भी प्रेगनेंसी में खुजली हो, आपने पेट पे, हाथ पैर पे खुजली नहीं करनी है, क्योंकि उसके मार्क कभी भी साफ नहीं होते, मार्क हमेशा ही बने रहते हैं। और जब भी आपको खुजली महसूस हो कि बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो आप क्या करें, आप नारियल का तेल जिस जगह खुजली हो रही है, जैसे पेट पे, आर्म्स पे, हाथों में, पैरों में, अच्छे से तेल लगा लें। और स्तनों में भी कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, क्योंकि स्तनों के आकार में बढ़ोतरी होती है, बच्चे का धीरे धीरे फीड बनता है, इसलिए स्तनों के आकार में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। पहले से भारीपन लगेगा, पहले से आपको खुद फील होगा कि एक स्तन दूसरे स्तन से बड़ा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि बच्चे का फीड बनता है धीरे धीरे, तभी 9 महीने के बाद बच्चे को फीड मिलता है। इस करके खुजली, इचिंग होना नॉर्मल है। आप नारियल का तेल से अच्छे से मसाज दे, ताकि जो खुजली की प्रॉब्लम हो वो खत्म हो, खुजली ना हो। खुजली नहीं करेंगे तो रैशे नहीं होंगे, रैशे नहीं होंगे तो निशान नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। अब बहुत सारी महिलाओं का ये भी कहना होता है कि हमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा आती है लास्ट में, मंथ्स में, तो देखिए ये मूवमेंट आना भी नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे जब भी बड़ा हो जाता है, 9वां महीना जैसे ही स्टार्ट होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको वेट होती है कब हम माँ के पेट से बाहर आएँ, इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, बहुत तेज़ी से मूवमेंट करता है। और आप सोते हो, जागते हो, काम करते हो, आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है बच्चे की मूवमेंट करने की, वो इसीलिए क्योंकि बच्चा अच्छे से ग्रो हो चुका है, बस उसे वेट है कि वो कब बाहर आए, इसलिए उसे मूवमेंट का बहुत ज़्यादा आपको पता लगता है। और ये भी कहा जाता है जो बच्चे बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं लास्ट टाइम पे, उनको बेटा होता है। वहीं अगर लड़कियां होती हैं तो कहते हैं वो कम मूव करती है। बट देखिए, जो किस्मत में होता है ना, उसे कोई नहीं बदल सकता, ना मैं ना आप, वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि भगवान ने पहले से ही तय कर रखा होता है कि आपको क्या देने वाला है, एक लड़का या एक लड़की। तो इस चीज़ में मत पड़े रहो कि मेरा लड़का होगा या लड़की, जो भी हो, अच्छी एजुकेशन दो, एक समान सम्मान दो, यही माँ बाप का फ़र्ज होना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो आज मैंने आपसे ऐसे 5 सिम्टम शेयर करे हैं। अगर आपके ऐसा लग रहा है कि गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो रही है, और आपके बहुत ज़्यादा फेस काला हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट की आपको पहले से देखिए पेट काला नज़र आएगा, क्योंकि बच्चा जैसा जैसे पेट में बड़ा होता है, पेट का आकार चेंज होता है, साथ में खुजली होती है, काला हो जाता है स्किन, वो इसी करके क्योंकि बच्चा धीरे धीरे पेट में ग्रो होता है, मांसपेशियां खिंचाव आता है, इस करके ये प्रॉब्लम होती है। बाकी लड़का लड़की जो भगवान ने लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।